हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी महादेवी। आज मैं आप लोगों को सबका पसंदीदा चीज़ पानी पूरी बताऊंगी। इसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, वैसा चीज़ है ये। सच मानिए, मेरा तो फेवरेट है। कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ मुझे ना दिलाए कोई बात नहीं, पर पानी पूरी खिलाए बिना घर लाए तो बस। क्रंची क्रंची पानी पूरी कैसे बनाते हैं आज हम लोग बनाएंगे। चलिए, इसके लिए मैं 1.5 कप सूजी ली हूँ, जिसे रवा भी कहते हैं। एक कप सूजी को 2 स्पून मैदा डालेंगे। इधर मैं 1.5 ली हूँ, इसलिए 3 स्पून मैदा डालूंगी। अभी इसके अंदर 1 चुटकी सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी हम लोग सारे को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे अभी हम लोग आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी ली हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें आप लोग आराम से हाथ डाल सकते हो, उतना ही गर्म। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के हम लोग आटा गूंदेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया तो फिर पतला हो जाएगा। मेरा तो आटा गूंदा हो गया, देखिए कितना नरम आटा आया है। बस इसी तरह होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना ही थिक और इससे ना ही ज़्यादा पतला। तेल डाल के अच्छे से और एक बार मिला लेंगे। मैं 1 ग्लास पानी ली थी, इसमें से 3/4 पानी लगा मुझे। अभी इसके ऊपर एक कच्चा कपड़ा करके ढक के 20 से 25 मिनट रख देंगे रेस्टिंग के लिए। अभी रेस्टिंग लेके आधा घंटा हो गया है, अभी हम लोग पूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए एक बड़ा लोई लेके अच्छे से बेल लेना चाहिए, वो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। मैं बनाने के बाद बताऊंगी कि वो कितना थिक होना चाहिए। देखिए मेरा रोटी ऑलमोस्ट बेल गया है। अभी बेलना हो गया, अभी हम लोग एक नोकीला चीज़, कौन सा भी वो ढक्कन हो या कोई छोटा डब्बा हो आपके पास, घर में आपके पास जो सहूलियत में है वो लेके छोटे छोटे पूरियों में कट कर दीजिए। मैं यहाँ एक छोटा सा स्टील का डब्बा ली हूँ, मैं सारे पूरियों को ऐसे कट करके रख लूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए। अगर पहली बार कोई मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। पूरियाँ कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बचता है उसे निकाल लीजिए। निकाल के उसे भी जो हम लोग कपड़ा ढक के रखे आटा, उसी कपड़े के नीचे रखिए। अभी तलना स्टार्ट करते हैं। तलने के लिए हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है। एक बार फुल गर्म होने तक गर्म कर लीजिए, उसके बाद मीडियम आंच पर रख के आप तलना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए, पूरी डालने के बाद उसके ऊपर एक एक पूरी डालिए। पूरी डालने के बाद उसके ऊपर तेल को डालिए, वो फूल जाएगा। फूल जाने के बाद फिर दूसरा पूरी डालिए। आप पहली बार बना रहे तो 3 से 4 पूरियों से ज़्यादा मत डालिए।
देखिए मेरे कितने अच्छे फुलके आ रहे हैं। ये फूलना भी उतना ही जरूरी है और कुरकुरे बनना भी उतना ही जरूरी है। देखिए ऐसे डालने के बाद उसके ऊपर तेल डाल लिए, तेल डाल के थोड़ा सा प्रेस करिए, हाँ बस फूल जाएगा ये। अब नेक्स्ट दूसरा पूरी डालिए, फिर से तेल डालिए, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करिए और फूल जाएगा। बस ऐसा ही करके आप लोग 3 या 4 पूरी डालते हुए करिए। अभी इसके पूरियों को नीचे ऊपर करिए, इसे ज़्यादा ब्राउन मत होने दीजिए, कि आपको लगे कि ये कुरकुरे हो गए हैं तो निकाल दीजिए। सच में ये इतने अच्छे पूरियाँ निकले थे, आप लोग भी इस लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर बनाइए, ये तो सबका पसंदीदा चीज़ है। सुनिए ना आप कितने क्रंची क्रंची बने थे, सारे पूरी वैसे ही बने थे। अभी हम लोग पूरी तो कंप्लीट हो गए, अभी पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक चदरक लेंगे, 5 से 6 हरी मिर्ची ले लेंगे, 1/2 बॉल पुदीना मतलब 1 मुट्ठी भर, मैं इसे ऑलरेडी धो के रखी हूँ, 1 मुट्ठी भर हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। मैं ऑलरेडी इमली को भिगो के रखी हूँ, उसमें से थोड़ा इमली भी ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद इसे हम लोग अच्छे से छान लेंगे। छानने से जो भी पुदीना और धनिया का अगर पल्प रहेगा वो निकल जाएगा और पानी अच्छे से आ जाएगा। इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए, जो बचा हुआ खटाई है उसे निकाल के उसे भी इसके अंदर डाल के मिला लेंगे। मिलाने के बाद मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है, इसके बाद उसका एक्साइटमेंट देखिए। मैं 1.5 लीटर पानी का ये मसाला पानी बनाई हूँ, अभी इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। पहले तो मैं पिंक साल्ट 1/2 स्पून, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून काला नमक, आधा स्पून पेपर पाउडर और 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 स्पून नींबू का रस। अभी इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अभी पूरी हो गया, पानी हो गया, अभी उसके अंदर फिलिंग के लिए बटाने और आलू दोनों को मिला के हम लोग मसाला बना लेंगे। आप लोग चाहे तो ओनली आलू का भी बना सकते हो। इसके लिए मैं बटाने को ओवरनाइट भिगो के रखी थी, सुबह उठने के बाद 3 विजिल आलू और बटाने को 3 विजिल लगाई थी। पानी बनाते वक्त जो पल्प बच गया था वो पल्प का मसाला इसके अंदर डाल दी हूँ। अभी इसके अंदर काला नमक और 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 सा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेंगे सारे को। बारीक ऑनियन भी कट करके रखी हूँ और ये दूसरे बाउल में आलू और मटर ओनली नमक मिलाया हुआ है। सारे पूरियों में मैं बटाने और प्याज डाल के दे दूंगी।
देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है ना, आप लोग भी जरूर ट्राई करिए। इस पानी बाहर मिलने वाले पूरी पानी में इसमें कोई फर्क नहीं था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, तो बनाइए जरूर और मुझे कमेंट्स में बताइए और एक फ़ोटो भेजिए आप लोगों को उनका पूरी पानी पूरी कैसा बना। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।